फ्रेंड्स, मैं रेनुदर आपका अपने चैनल सॉफ्ट टॉयज़ मेड इन इंडिया में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सॉफ्ट टॉयज़ की सीरीज़ में आइए, आज मैं आपको एक बर्ड बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा, कितनी स्वीट, सुंदर सी बर्ड है। इस बर्ड को कहते हैं फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो बर्ड। सॉफ्ट टॉयज़ में मैं आज आपको फ्लेमिंगो बर्ड बनाना सिखाती हूँ। इसका पैटर्न जो है वो आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट का नाम है www.renuscreativehub.com। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन मेरी जो पैटर्न है वो आपको मोबाइल से डाउनलोड नहीं होएगा, उसके लिए आपको कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए होगा। कंप्यूटर लैपटॉप पे आप इसको डाउनलोड कीजिए, फिर उस पैटर्न का प्रिंट ले लीजिए। प्रिंट लेने के बाद आप कटिंग करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जो इसमें मटेरियल यूज़ होएगा, मटेरियल जो है वो आपको मेरी वीडियो जब चलती है तो मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं दिखाती हूँ। जहाँ मैं मटेरियल बताती हूँ वहाँ पर मैं मेरा राइट साइड इस कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे आपको दिख जाता है कि मैं मटेरियल क्या लिख रही हूँ। जो मैं आपको साथ साथ में बताती भी जाती हूँ उसके साथ में मैं रिटर्न में भी मेरा आता है कितना मटेरियल आपको इसमें चाहिए और कितना यूज़ होएगा। तो क्या क्या मटेरियल चाहिए वो भी आपको वहाँ से मेरी चैनल से मिल जाता है। तो उसके बाद में आप मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए और इस तरह से देखिए सुंदर सा फ्लेमिंगो जो बर्ड है आप घर बैठे ही सॉफ्ट टॉयज़ में बना सकती हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं फ्लेमिंगो बनाना। फ्लेमिंगो बर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम मटेरियल देख लेते हैं। मटेरियल में सबसे पहले तो आएगा पैटर्न। ये पैटर्न आपको चाहिए जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com से। वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये मोबाइल से डाउनलोड नहीं होगा, इसके लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लीजिए जैसे कि मैंने करी है। कटिंग करने के बाद में आप इसको यूज़ कीजिए। इसके अलावा आपको मटेरियल चाहिए। मटेरियल में सबसे पहले आपको एक फेल्ट चाहिए, या वोल्वो या फेल्ट कुछ भी ले सकती हैं आप। मेन इसकी बॉडी जो है पिंक कलर की बनेगी। फेल्ट या वोल्वो आप कुछ भी ले लीजिए। ये करीब आपको चाहिए 25 सेंटीमीटर चाहिए आपको पिंक कलर का फेल्ट या वोल्वो। उसके अलावा आपको वाइट कलर यूज़ होएगा इसमें। वाइट कलर आप, मेरे पास वाइट है नहीं तो मैं थोड़ा सा क्रीम कलर ऑफ वाइट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास प्योर वाइट हो तो आप प्लीज़ प्योर वाइट ही यूज़ कीजिए। ये करीब आपको चाहिए 20 सेंटीमीटर वाइट कलर। इसके अलावा हमको 8 सेंटीमीटर बहुत थोड़ा सा चाहिए ब्लैक कलर का फेल्ट। इसकी जगह आप कपड़ा भी यूज़ कर सकती हैं, अगर ब्लैक कपड़ा हो तो वो भी यूज़ कर सकती है, फेल्ट हो तो वो भी यूज़ कर सकती है। ये चाहिए 8 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमको बहुत थोड़ा सा, ये कोई 8 सेंटीमीटर करीब एक नॉर्मल कपड़ा है पिंक कलर का, ये भी आप ले सकती हैं। पिंक कलर का नॉर्मल कपड़ा है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। वो भी मेरे को इसमें थोड़ा सा चाहिए। इसके अलावा हमें पिंक कलर का लॉन्ग फर चाहिए जो करीब करीब हमको 15 सेंटीमीटर चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास लॉन्ग फर है पिंक कलर का तो उसके, क्योंकि इसके पर बनाने हैं, विंग्स बनानी है, उसमें यूज़ होता है, तो आप ये यूज़ कीजिए। अगर आपके पास लॉन्ग, मेरे पास लॉन्ग फर नहीं था तो मेरे पास ये इस तरह का कुछ फर जैसा ही है, ये वाला मटेरियल, तो मैंने यही वाला लिया है। अगर आप लोगों के पास लॉन्ग फर है तो आप लॉन्ग फर यूज़ कीजिए, करीब 15 सेंटीमीटर। उसके अलावा आपको चाहिए पेन, पेंसिल, चॉक या टेलर चॉक मार्किंग के लिए, मार्क करने के लिए जो आप कपड़े पे फिर पैटर्न को मार्क करेंगी। उसके अलावा कट करने के लिए कैंची चाहिए, सीजर, फिर सिलने के लिए चाहिए सुई धागा। इसमें मैंने 3 कलर के धागे यूज़ किए हैं क्योंकि तीनों कलर मेरे पास है, तो जिनके पास मशीन है तो मशीन से भी सिल सकते हैं। उसके अलावा इसकी आईज़ चाहिए, जो नॉर्मल टेडी की आईज़ है वही इसमें यूज़ होंगी, ये टेडी बियर की आईज़, और उसके वॉशर। और फिलिंग के लिए फाइबर वूल, पॉली फाइबर, कॉटन शॉप से मिल जाता है। इसमें करीब हमको 250 ग्राम पॉली फाइबर चाहिए। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं फ्लेमिंगो की, अब जो कटिंग हो गया है उसको इस पे मार्क करने का कपड़े पे। सबसे पहले कपड़े पे मार्किंग शुरू करते हैं। जो कपड़ा है वो आपने उल्टी तरफ से बिछाना है। ये देखिए इसका सीधा साइड है, तो इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको उल्टी तरफ बिछाना है। उल्टी तरफ बिछाने के बाद में आप कोई भी पैटर्न लीजिए। देखिए आपको मेरी पैटर्न पे हर जगह मिल जाएगा कि कितने पीसेस काटने हैं और कौन सा कलर में काटना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2 पीसेस 1 रिवर्स काटना है आपको, 1-2 पीसेस काटने हैं और किस कलर में काटना है वो पिंक में, ये आपको मेरे पैटर्न पे मिल जाएगा। तो आपने सबसे पहले इसको यहाँ पर रखिए इस तरह से, तो एक मार्क आपको इस तरह से लगाना है, कुछ भी पेन या टेलर चौक जो भी आपके पास अवेलेबल है, जिससे भी ये आपका मार्किंग दिख जाए, उससे आपने इसको कपड़े पे इस तरह से
मार्क करना है। तो जितने भी पीसेस हैं वो आप सारे पहले कटिंग करने के बाद में उसमें मार्किंग कर लीजिए। जो वाइट में करना है वो वाइट में कीजिए, और जो ब्लैक में करना है वो ब्लैक में, जो फर में करना है वो फर में। इस तरह से आप सारे पीसेस मार्क कर लीजिए। देखिए एक पीस इस तरह से मार्क हो गया, तो दूसरा पीस आपने इस तरह से रिवर्स करके रखना है। ये एक पीस इस तरह से किया, दूसरा पीस इस तरह से रिवर्स। रिवर्स करने के बाद में इसको भी इस तरह से यहाँ पर मार्क कर दीजिए, बिल्कुल साथ में रख के। ये देखिए मार्किंग हो गई है। इसी तरह से आपने सारे पीस की मार्किंग कर लीजिए पहले, और मार्किंग करने के बाद में आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। तो मार्किंग करने के बाद भी जो जो पीसेस हैं उनको कट करना आप शुरू कीजिए। आप कैंची लीजिए और जहाँ पर आपने मार्क किया हुआ है इस तरह से, जैसे भी ये निशान बने हुए हैं, इन निशान के बिल्कुल साथ साथ में आपने काटना शुरू करना है, कटिंग करना शुरू करना है। इस तरह से आप सारे पीसेस पहले कट कर लीजिए। देखिए मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। तो ये इस तरह से जो फर में चाहिए था वो फर में, जो पिंक कपड़े में ब्लैक कपड़ा, वाइट ऑफ वाइट जो मैंने यूज़ किया है, और पिंक का बेस, और सारे पीसेस इस तरह से कट करने के बाद में अब हम इसको चलिए ज्वाइन करना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसकी अपर बॉडी का हिस्सा ज्वाइन करते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले ये वाला पीस लीजिए, ये साइड बॉडी है। ये दो पीसेस काटने थे आपको, वन रिवर्स करके पिंक में, एक इस तरह से रख के और एक ये वाला पीस इस तरह से रिवर्स करके। इसी तरह से एक और ये सेंटर बॉडी का हिस्सा है, ये वाइट कलर में काटना था। ये अभी आपने दो पीसेस काटने थे, वन रिवर्स, एक इस तरह से और एक इसी तरह से मोड़ के इसको इस तरह से मार्क करके, और उसके बाद में कटिंग करने था। अब आपने क्या करना है, इस हिस्से में ये जो ये वाला हिस्सा यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर O2 लिखा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी O2 मैंने लिखा है। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये जो कर्व वाला हिस्सा है, ये आपको इस कर्व वाले हिस्से से ज्वाइन करना है। ये इस तरह से ज्वाइन होएगा इधर, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आपने इसको यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो इस दोनों पीसेज में कीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे ये वाला एक पीस है, जो ये बाहर वाला कर्व है, ये बाहर वाला कर्व इस अंदर वाले कर्व में आप ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पिन यूज़ कीजिए यहाँ से, ये देखिए ये इस तरह से। तो जैसे मैं यहाँ पर पिन फिक्स कर लेती हूँ, ये, और ये इसी तरह से यहाँ पर इस तरह से आएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, देखिए। ये यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर से आप ज्वाइन करेंगे, किनारे से, और यहाँ से ऐसे जोड़ते हुए, ऐसे जोड़ते हुए, और इस तरह से यहाँ पर आप इसको ऐसे करके जोड़ दीजिए। तो दोनों साइड बॉडी में आपने इस तरह से ये वाइट वाला पोर्शन ज्वाइन कर देना है। तो इसमें भी ये वाला इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, और यहाँ पर भी ज्वाइन हो जाएगा, और उसके साथ में जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें दो डार्ट है, एक यहाँ पर डार्ट है, एक यहाँ पर डार्ट है, ये भी आपने आपस में इस तरह से फोल्ड करके आपस में सिल देने हैं। जैसे ये यहाँ पर डार्ट है, इसको भी आप यहाँ पर फोल्ड कीजिए और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए, और जो यहाँ पर भी डार्ट है इसको भी इस तरह से कीजिए और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। तो इतना पहले कर लेते हैं। ये देखिए ये अब स्टिचिंग यहाँ से सिल लिया है, यहाँ से ये, और ये डार्ट्स भी सिल लिए हैं। अब ये देखिए इस तरह की शेप आई है आपके दोनों पीसेस की, ये इस तरह से। अब आपने क्या करना है, जो ये बाहर वाला पोर्शन है, अब जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अब पिंक के साथ में पिंक आपस में ज्वाइन कर लीजिए आप। जैसे ये है, इसके ऊपर ही आप इसको रखिए ऐसे, ये सीधा और सीधा पार्ट ऐसे रखेंगे, उल्टा उल्टा बाहर की तरफ, ये उल्टा और बाहर की तरफ, और सीधा सीधा पार्ट अंदर की तरफ, और इनको अब आप आपस में आप यहाँ से लेके और यहाँ तक, इधर तक आप सिल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आप सिल लेंगे O1 तक आपस में, इस पिंक और पिंक पोर्शन को।
जो जैसे आप देख रहे हैं कि मैं मशीन से सिल रही हूँ इसको, अब जिनके पास मशीन नहीं है वो हाथ से सिल सकते हैं। हाथ से सिलने के लिए एक बार, वैसे तो अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस देखी है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन चलिए मैं फिर भी बता देती हूँ। जो इनको हाथ से सिलना है, सुई और धागा लीजिए, धागे में एक तरफ से गांठ मारिए, गांठ लगाइए, और उसके बाद में फिर इस तरह से निकाल के और हाथ घुमा के, और आपने इस तरह से ये स्टिचिंग करनी है, इस तरह से हाथ घुमा के और इस तरह से, या सुई डालिए और धागे को सुई के इधर घुमाइए और इसको इस तरह से बंद कर दीजिए, नहीं तो इस तरह से, जैसे भी इजी लगे वैसे कीजिए, और साथ साथ में इस तरह से सुई डाल के और इसको सिलाई लगाते जाइए। ये देखिए इस तरह से आएगा, ये इस तरह से जुड़ता चला जाएगा। तो जो सुई से कर रहे हैं वो इस तरह से कीजिए, नहीं तो जिनके पास मशीन है, जिनको मशीन चलानी आती है, वो मशीन से सिल सकते हैं, क्योंकि पीस बड़ा है तो मशीन से सिलना इजी हो जाता है, और थोड़ा काम जल्दी भी हो जाता है, और इस वजह से जो छोटे हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मशीन से सिलना, पर ये पीसेस बड़े हैं इनको आप मशीन से भी सिल सकती हैं। जिनके पास मशीन है बस आपस में यहाँ रख के और एक पिन से इनको अटैच करके और उसके बाद में यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। ये सिलने के बाद में इसको देखिए सीधा कर लीजिए, ये इस तरह से आ गया। अब इसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। अब इसकी चोंच तैयार करते हैं। बीक बीक के लिए सबसे पहले आप लीजिए अपर मिडिल पार्ट वाला, ये पिंक कलर में काटना था एक पीस। इसका सबसे पहले तो आप ये डार्ट सिलेंगे, इस तरह से रख के आपस में डार्ट जो है वो सिल लेंगे। ये पिंक कलर का एक ही पीस काटना था, ये किसी कपड़े में भी काट लीजिए आप, मैंने कपड़ा ही लिया हुआ है इसके लिए। तो सबसे पहले ये डार्ट सिलेंगे, उसके बाद में ये साइड वाला पार्ट है इसका, ये दो पीसेस काटने थे, ये भी सेम पिंक कलर के कपड़े में ही काटा है, एक इस तरह से रख के और एक इस तरह से रख के। तो ये आपने दोनों साइड से, इन साइड से आपने इसको जोड़ना है आपस में, जैसे ये जी और एच और ये जी और एच आपस में इस तरह से जोड़ने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रख के यहाँ से इसको सिल लेंगे और यहाँ से रख के इसको सिल लेंगे यहाँ पर। अब इसके साथ में मैंने क्या किया है, साथ में ये आप भी कर सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है, आप बाद में इसमें कढ़ाई भी कर सकती हैं, लेकिन ये एक ऑप्शन है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक इस तरह से ब्लैक कपड़े में एक इसी तरह से छोटी छोटी पट्टियाँ काटी हुई हैं दो, वो आप इसके नाप से काट लीजिए, जितना इसकी ये लेंथ है साइड की उतनी काट लीजिए। इसके बाद में आप क्या करेंगी, जब आप इसको सिलेंगी ना इस तरह से आपस में, तो ये बीच में रख दीजिए, बहुत छोटा सा हिस्सा बाहर रहेगा, बाकी पूरा हिस्सा अंदर रहेगा। ये इसको इस तरह से रख के और इसको ऊपर से इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सेम हम इस साइड से भी करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे बाहर की तरफ और इसको इस तरह से रख के यहाँ पर सिल लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से आएगा, ये ब्लैक वाला कपड़ा मैंने बीच में से ही सिल दिया, जैसे मैंने आपको सिखाया उसमें से ये इस तरह की शेप आएगी इसमें, और ये डार्ट भी सिल दिया है। अब इसको साइड में रखिए। अब हम लेते हैं इसका लोअर मिडिल बीक, लोअर मिडिल ये नीचे की तरफ की ब्लैक कलर का आएगा, ये आपने टू पीसेस काटने थे, एक इस तरह से रख के और दूसरा इस तरह से रख के, ये टू पीसेस काटने थे। एक इसके साथ में ही है ये लोअर बीक, जो नीचे ये एक ही पीस काटना था आपने ब्लैक में, इसका ये डार्ट है। सबसे पहले तो इसका ये डार्ट सिल लेना आप, ये इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है ज्वाइन, H2 और I, H2 और I को आपस में आपने ज्वाइन करनी, ये जो दो पीसेस हैं आपके इनको आपने आपस में ज्वाइन करनी, यानी इसको इसके ऊपर रखिए और यहाँ से आपने इनको आपस में जोड़ लेना है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेना है। जब ये जुड़ जाएगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा जुड़ के, जब ये जुड़ जाएगा उसके बाद में जो ये वाला पोर्शन है इसमें ये डार्ट सिल लेंगे आप। डार्ट सिलने के बाद में इसको क्या करेंगे आप, इस तरह से रख के ये जो आई वाला पोर्शन है, ये जैसे आई, आई से आई जोड़ेंगे आप, आई से आई जोड़ने के बाद में ये एच जो है ये यहाँ पर जोड़ देंगे आप, एच जो वन है उसके साथ में इस तरह से जोड़ देंगे, और यहाँ से ऐसे, यानी यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे सिलाई लगा लेंगे इसको। तो ये इस तरह से जुड़ेगा और ये पोर्शन आपका इस वाले पोर्शन में जुड़ेगा इधर, और ये जो दूसरा वाला साइड है उसको दूसरे वाले साइड से जोड़ेंगे आप। देखिए अब ये सिल दिया है। अब इसको आप क्या कीजिए, इसको सीधा कीजिए। जो ये सिंगल वाला पीस था जिसमें ये डार्ट वाला हिस्सा है, ये डार्ट वाला हिस्सा, इसको आप नीचे रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ना है, जो ये जहाँ पर ये दो
दो आपने ज्वाइन किए हैं इनको आप ऊपर रखेंगे। जैसे ये देखिए जोड़ है बीच वाला, जो ये दो पोर्शन जोड़े हुए हैं, एक ये सिंगल वाला नीचे ये वाला, ये दो पोर्शन जोड़े हुए हैं, इसको आपने यहाँ से ये जो जोड़ है बीच का जोड़, इसको आप यहाँ से जोड़ना शुरू कीजिए। जो डार्ट है इसका, इसको यहाँ पर रखिए और इसके साथ में इस तरह से डार्ट मिलाते हुए जोड़िए, और ये वाला इधर आ जाएगा, जो ये जॉइन लाइन है जहाँ पर आपने जोड़ा हुआ है वो इस ब्लैक इसमें आ जाएगा, और जो ये सेंटर की डार्ट है, ये जो पिंक वाला हिस्सा है ये आपको सेंटर तक जोड़ना है, ये यहाँ तक, ये जो डार्ट वाला हिस्सा है ये पिंक वाला पोर्शन आपने यहाँ तक जोड़ना है, और सेम इस तरह से करना है यहाँ पर, यहाँ पर भी इस तरह से यहाँ जोड़ दीजिए और ये यहाँ तक इस तरह से जोड़ दीजिए। तो उसके बाद में हम इसको देखते हैं आगे। ये देखिए ये अब इस तरह से हो जाएगा, ये हमने जोड़ दिया है, ये यहाँ पर ब्लैक, ये नीचे, और इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ दिया है, थोड़ा मैंने इसको खुला छोड़ा हुआ है, बहुत थोड़ा सा यहाँ जोड़ा हुआ है, बाकी मैंने थोड़ा सा पिंक हिस्सा यहाँ पर खुला छोड़ा हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने ये जो आपने बनाया है इधर इस तरह से जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे है, इसको भी उल्टा कीजिए और इसको भी उल्टा कीजिए। अब जो ये ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर आपने ये इसमें डार्ट लगाया था, यह इसका से जो सेंटर वाला हिस्सा है, ये जो इस डार्ट के बिल्कुल सामने वाला हिस्सा है सेंटर, इस सेंटर के हिस्से से आपको ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करना है। तो इसको यहाँ से रखिए और इसको यहाँ से ज्वाइन करते हुए यहाँ पर, और फिर ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये आपका यहाँ तक आ जाएगा पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसी तरह से आप दूसरे साइड से भी करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ तक ये पूरा यहाँ तक जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने के बाद, जब ये जुड़ जाएगा, इसको जोड़ने के बाद में जो ये वाइट वाला पोर्शन है, फिर इसको आप आपस में भी, जो ये खुला हुआ पोर्शन है इसको फिर आप आपस में भी यहाँ पर स्टिच कर लीजिए पूरा ऊपर तक, यहाँ पर ये पिंक वाला हिस्से से लेकर ये वाला हिस्से से लेकर ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ से आपने इस तरह से ये पूरा सिल लेना है। ये देखिए अब यहाँ से पूरा हमने स्टिच यहाँ तक कर लिया है, पूरा सिल दिया है। अब हमारा ये अपर बॉडी जो है इसका रेडी है। अब आप क्या कीजिए, ये जो आईज़ का मार्क लगा रखा है, ये आपके पैटर्न में भी है, वहीं से मार्क लगा रखा है, यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा इसको कट करके, छोटा सा कट लगा के, और यहाँ पर हम आईज़ इसकी फिक्स कर देंगे। तो एक इधर से हल्का सा कट, और इस साइड भी ये देखिए मार्क लगा रखा है, और इस साइड भी आप छोटा सा कट लगा दीजिए, और उधर फिर इसकी आईज हम लगा लेंगे। चलिए अब इसकी आईज लगाते हैं। ये देखिए अब आईज दोनों जगह फिक्स हो गई है, ये देखिए, ठीक है। अब आपकी ये अपर बॉडी हमारी रेडी है। चलिए अब आगे का जोड़ते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम इसकी टेल सिलते हैं। ये इसकी टेल है, 6 पीसेस काटने थे, 3 फर में और 3 फेल्ट में, एक इस तरह से रख के, फिर इस तरह से, और फिर इसको सीधा करके इस तरह से, 3 पीस इससे और 3 पीस ही आपने फर में काटने थे एक जैसे। अब इसको और इसको आपस में सिलेंगे। फर का पीस जो है ये उल्टा पीस है, उल्टा पीस नीचे रख के, उल्टा साइड नीचे रख के, और फर का भी जो सीधा साइड है वो सीधा सीधा साइड आपस में मिलाएंगी, और इस तरह से करके यहाँ से आप इसको सिल लेंगी। तो तीनों पीस, ये ऊपर का पोर्शन आप खुला छोड़ेंगी, तीनों पीसेज में आप इस तरह से साइड में सिलाई लगा के इनको सीधा कर लेंगे। ये करने के बाद में हम आते हैं इसके पंख पे, विंग्स पे। अब विंग्स सिलेंगे। ये आपने 4 पीसेस काटने थे, 2 मैंने फेल्ट में काटे हुए और 2 फर में, यहाँ पर लिखा है मैंने 2 फर में और 2 फेल्ट में। अब आपने क्या करना है, इनको भी आपस में जैसे सीधा सीधा पार्ट है, ये फर का सीधा पार्ट है, ये इसका फेल्ट का सीधा पार्ट है, इसको इसके ऊपर रखिए और यहाँ से सिलना शुरू कीजिए। ये वाला पोर्शन आप खुला छोड़ेंगी और यहाँ से आप इसको दोनों पोर्शंस को सिल लेंगी। ये देखिए तीनों जो 3 पीस, 6 पीसेस का हमने 3 पीस बना लिया है टेल्स, ये जो इसकी दुम है टेल वो सिल ली है हमने, इनके हमें अब 3 पीसेस बन गए हैं। एक एक साइड फर है और एक एक साइड फेल्ट है। अब आपने क्या करना है, एक एक टेल को लेकर, जो एक टेल है इसको लेकर आपने क्या करना है, इसमें एक सेंटर में एक मार्क लगा दीजिए, एक सेंटर में एक निशान लगा दीजिए। एक टेल लेकर, एक और लेकर इसको, इसका जो कोना है ये इसके आधे में रखेंगे आप, और दूसरी टेल का कोना इसके आधे में रखेंगे आप, ये देखिए इस तरह से, और आप इसके ऊपर पूरी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से आएगी आपकी टेल, ऐसे बनेगी ये इस तरह से,
ठीक है। तो ये करने के बाद में ये जो विंग्स था, ये देखिए विंग्स में इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब सीधा करने के बाद में आपने क्या करना है, बहुत ही हल्का हल्का इसको कॉटन से आप फिल करेंगे, बहुत ही हल्का हल्का कॉटन भरेंगे, कोई ज़्यादा आपने भरना नहीं है। बहुत ही हल्की सी परत, पतली सी एक परत डालनी है आपने इसमें फाइबर वूल की, तो एक बहुत पतली सी परत आप इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद में देखिए बहुत पतली सी परत डाली है, बहुत ही पतली सी। अब इसको करने के बाद में आप इसमें देख रहे हैं ये निशान बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप किसी भी पेन या पेंसिल चॉक से आप इसको निशान बना दीजिए, इस तरह से जैसे ये बने हुए हैं इस तरह से आप इसको निशान बना दीजिए। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सिल लेना है, ऊपर से ही सिलाई लगा लेनी है। अब जैसे जो इससे सुई धागे से सिलते हैं वो देखिए किस तरह से सिलेंगे, ये आप सुई में धागा डाला, इसको पहले मैं सबसे पहले अंदर से डाल रही हूँ क्योंकि गांठ है इसमें, तो जो गांठ है वो अंदर की तरफ रहेगी। तो ये बिल्कुल ये जो यहाँ पर आपका बना है इधर से मैंने डाला है इसको। अब आपने इसकी बैक स्टिचिंग करनी है, बैक स्टिचिंग का मतलब पूरे से लेना है आपको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से निकाला ऐसे, फिर यहां से ऐसे, ये देखिए फिर यहां से, ये आपने दोनों में करनी है, फर में भी जानी चाहिए, देखिए पीछे सुई, फर में भी जानी चाहिए सुई और इसमें भी जानी चाहिए, दोनों में आपने इस तरह से ये सिल लेना है ऐसे। जो मशीन से सिल रहे हैं वो मशीन से लगा लीजिए ऊपर स्टिच थोड़ी सी आपस में दोनों को मिला के, हल्का फाइबर वूल भर के, ये देखिए इस तरह से आपने ये सिलाई लगा देनी है इसमें भी और इसमें भी, इसी तरह से इसको भी आप करेंगे सीधा करके और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये इस तरह से सिल दी है, अब ये इस तरह से आ गई है, इसको साइड में रख लीजिए, इसको बाद में हम अटैच करेंगे। और ये यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है दोनों विंग्स में, ये देखिए ये इस तरह से आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, विंग्स को साइड पे कीजिए। अब हम लेते हैं बैक बॉडी इसकी, जो पिंक कलर में आपने टू पीसेस काटने थे, ये फर में काटना है आपने, फर में, तो दो एक इस तरह से काटा था और एक इस तरह से रख के, तो ये दो पीसेस मैंने फर में काटे हैं और इसमें एक यहाँ पर ये निशान लगाया है विंग्स का, इसको आपने कट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये कट करा हुआ है, ये इस तरह से काटा हुआ है, इसी तरह से आपने ये भी काटना है जो ये निशान लगा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने ये रख के, ये जो विंग है इसको इधर रख के इसके साथ में इस तरह से जोड़ देना है, जो ये वाला हिस्सा है, जो ये बड़ा वाला हिस्सा है चौड़ा वाला, ये इस साइड से आएगा, जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से आप, तो ये इस तरह से आ जाएगा। जैसे मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, ये देखिए ये है फर वाला हिस्सा बाहर की तरफ रखेंगे, फेल्ट वाला अंदर की तरफ, इसको यहाँ रख के ये जो ये चौड़ा नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला साइड बड़ा वाला साइड, ये वाला साइड, इसको आप इस साइड रखेंगे जहाँ से ये कट है, यहाँ से रख के और आप इसको इस तरह से सिल देंगे। अब आप इसको क्या कीजिए, इसको इस तरह से उल्टा कीजिए और यहाँ पर तीनों को इस तरह से बीच में से सिलाई लगा दीजिए, तो ये यहाँ पर इसका फिक्स हो जाएगा। तो दूसरा वाला इसमें सिल लेंगे, ये देखिए ये सिल दिया है यहाँ पर इस तरह से, और दोनों पीसेस में सिल दिया है। अब ये अटैच हो गए विंग्स। अब आपने क्या करना है, जो इसमें ये वाला पोर्शन है, ये तो विंग्स वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपने विंग्स लगाया, इसको छोड़ दीजिए आप पी वाले पोर्शन को, ये जो ओ टू वाला पोर्शन है ये आपने अब आपस में इसको ज्वाइन करना है। जैसे कि ये वाला पोर्शन, ये तो विंग्स वाला पोर्शन है दो साइड से, अब ये वाला पोर्शन जो है ये आपने आपस में सिल देना है, इसको इसके ऊपर रखिए और यहाँ से इसको स्टिच कर दीजिए, सिल दीजिए। इसको सिलने के बाद जब ये सिल जाएगा आपका, ये इस तरह से अटैच हो जाएगा, उसके बाद आपने लेना है फ्रंट लोअर बॉडी, ये आपने वाइट में काटना था, वन ही पीस कटना था, तो ये है देखिए ये मैंने वाइट में काटा हुआ है सिंगल पीस वन। इसमें सबसे पहले तो ये यहाँ पर डार्ट है, इस डार्ट को आपने आपस में सिलना है, ये जो यहाँ पर डार्ट है ये दिख रहा है आपको, इसको आपने आपस में सिलना है डार्ट को। और उसके बाद में आपने
अब जो ये विंग्स वाला हिस्सा है, विंग्स वाले पोर्शन, इसमें आपने जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पी है, ओ है, ओ और पी को आपने आपस में इस तरह से ज्वाइन करना है। यहाँ से ये वाला इस साइड से ज्वाइन हो जाएगा और जो दूसरा वाला आएगा, दूसरे का जो ये हिस्सा है वो इस साइड से ज्वाइन हो जाएगा। जैसे कि जब आप इसका ये डार्ट सिल देंगे, ये भी आपस में आपने सिल दिया है, अब आपने इसको यहाँ पर सिलना है। जैसे कि ये इस तरह से आएगा आपका बंद होके, अब ये पोर्शन आपने, ये वाला जो पोर्शन है साइड वाला, ओ वाला पोर्शन, इसको आपने यहाँ से इसमें सिलना है, और जो ये दूसरा वाला पोर्शन है, ये जो दूसरा विंग्स वाला पोर्शन है, उसमें इस तरह से आपने सिलना है। तो ये फ्रंट बॉडी इसकी इस तरह से बन जाएगी। ये देखिए अब ये सारा जुड़ गया है, ये पीछे भी, ये जो पीछे का हिस्सा है ये आपस में जोड़ दिया पिंक से पिंक फर का, उसके बाद में फ्रंट में यहाँ से ये फ्रंट वाला बॉडी जोड़ दिया दोनों पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में यहाँ पर फ्रंट का बॉडी, और जो ये वाला दूसरा पीस आया उसमें यहाँ का। अब आपने इसमें ये फेस जोड़ना है, अपर जो हिस्सा था, जो आपने ये अपर बॉडी बनाया था, इसको इसमें मिडिल वाली बॉडी में अब आपने जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले उल्टा कर दीजिए जैसे मैंने किया है। उल्टा करने के बाद में आपकी जो ये सेंटर वाली सिलाई आ रही है, ये जो यहाँ व्हाइट में सिलाई आ रही है, इस सिलाई को आपने इस टी में शुरू करना है। ये जो देखिए यहाँ पर T1 लिखा है, T1 से आपने ये जोड़ना, इसको शुरू करना है। इस तरह से रख के आप जोड़ना शुरू करेंगे, बिल्कुल इसके एग्जैक्ट सेंटर में इसको जोड़ते हुए आप यहाँ आएंगे इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से, और जो ये पीछे की सिलाई है, ये पीछे की सिलाई जो है, इस वाले हिस्से की जो पीछे की सिलाई है, ये एग्जैक्ट इस पीछे वाले हिस्से में आ जाएगी, ये इसमें आ जाएगी पूरी तरह से इस तरह से। तो ये आपका ये हिस्से की सिलाई और ये पीछे के हिस्से की सिलाई आपस में इस तरह से यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ से चाहे जोड़ना शुरू कीजिए, चाहे आप पीछे से जोड़ना शुरू कीजिए, वो आपकी मर्जी है। अगर आप पीछे से जोड़ना शुरू करेंगे तो वहाँ से भी ये सिलाई और सिलाई को मिलाते हुए आप इस तरह से जोड़िए साइड में, और ऐसे ऐसे करते हुए, और ये जो बिल्कुल इसका सेंटर का पोर्शन है, ये यहाँ T1 पे आएगा, और इस तरह से पूरा राउंड में आपने इसको पूरा जोड़ देना है। ये देखिए ये पूरा ज्वाइन कर दिया है, ये इस तरह से पूरा यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया, इसका नेक जो है, अपर बॉडी और मिडिल बॉडी ज्वाइन हो गई है, ये इस तरह से है। अब इसको थोड़ा साइड कीजिए। अब हम फुट पे आते हैं, ये फुट पैड है और ये इसका फुट है। अब ये आपने दो पीसेस काटने थे, वन रिवर्स करके, एक इस तरह से और एक इस तरह से रख के। ये भी आपका फुट पैड है, ये भी आपने दो पीसेस काटने थे, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ये दो पीसेस, जैसे ये इसका पीस है और ये इसका। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर लाइन बना रखी है, ये इसी तरह से सेम यहाँ पर भी लाइन्स है। इन लाइन पर आपने ना सिलाई लगा देनी है, खाली सिंगल कपड़े पे ऐसे करके सिलाई लगा देनी है। जैसे कि ये है, इसको जैसे ये निशान बना के इसको यहाँ से आप सिलाई लगा दीजिए, और यहाँ से भी जो हाथ से सिलते हैं सुई से, वो सुई से सीधी सीधी तुरपाई कर लीजिए, और इसमें भी सीधे सीधा कर लीजिए, और जो मशीन से करते हैं वो मशीन से, जैसे इस तरह से ये देख रहे हैं आप, ये मैंने बिल्कुल सीधे सीधे ये एक सिलाई लगाई है यहाँ पर और यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल सिंपल सिलाई लगाई है। इसी तरह से आपने इसमें और इसमें चारों पीसेस में आपस में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में आपने इस वाले पोर्शन में, ये जो आपका फुट है, फुट में आपको इसका लोअर, जो लोअर पार्ट है लेग का लोअर पार्ट, ये आपने ज्वाइन करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टी और यू बना हुआ है, टी और यू बना हुआ है, ये पार्ट आपने इस पार्ट में ज्वाइन करना है। किस तरह से करना है, जैसे ये है, इसको यहाँ रखिए, और ये आपका कपड़ा है, ये देखिए टी और यू बना हुआ है। अब ये टी और यू आपने यहाँ से जोड़ना शुरू करना है, यहाँ देखिए इसको इस तरह से रखेंगे आप, और इस तरह से करते हुए यहाँ से ये और ये और ये पूरा राउंड यहाँ तक आ जाएगा, इस तरह से ज्वाइन करेंगे आप ऐसे। ये जो यू वाला पोर्शन था, यू वाले पोर्शन में ये टी और यू वाला पोर्शन मैंने इस तरह से रख के और यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेना है। देखिए ज्वाइन कर दिया है, ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड कीजिए और इसको यहाँ से पूरी यहाँ तक आप सिल दीजिए। ये जो ये वाला पोर्शन है फुट का, ये वाला पोर्शन और इसका ये वाला साइड का पोर्शन, अब इसको आपस में इस तरह से फोल्ड कीजिए आप, और फोल्ड करने के बाद में पूरा ये नीचे तक इस तरह से साइड पे सिलाई लगा लीजिए। अब देखिए ये यहाँ से सिलाई लगा ली, ये पूरा बंद हो गया।
अब इसमें फुट पैड में आपने ये वाला फुट में अब ये फुट पैड जोड़ना है। बिल्कुल सिंपल है, देखिए ये यहाँ पर दिख रहा है कि इधर से ऐसे करके जोड़ेंगे आप इस तरह से। जो ये सेंटर का पोर्शन है इसका, ये जो यहाँ का पोर्शन है, ये बिल्कुल सेंटर का पोर्शन, ये बिल्कुल आपके इसके सेंटर में आएगा। ये देखिए ये जो जोड़ आ रहा है, ये जो आपने सिलाई लगाई है, इस सिलाई में पूरा ये सेंटर का, इसका सेंटर का पोर्शन आना चाहिए इस तरह से। ये देखिए आ रहा है पूरा बिल्कुल इस तरह से। आपने अब सिलाई लगानी है यहाँ से, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और इस तरह से पूरी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जैसे है ये, इस तरह से आप इसमें इसको सिल लेंगे आपस में। ये देखिए ये इस तरह से नीचे पूरी सिलाई लगा ली है, पूरा इसका फुट रेडी है। अब आपने क्या करना है, अब आप लीजिए ये फ्रंट लेग अपर पार्ट, अपर पार्ट है फ्रंट लेग का, ये वाला जो लेग है इसका जो फ्रंट साइड है इसका अपर पार्ट ये है, और इसी तरह से एक है इसका बैक पार्ट। इनमें सबसे पहले तो आप ये जो डार्ट दिख रहे हैं आपको, ये दोनों डार्ट आप आपस में इस तरह से सिल दीजिए, दोनों अपर और लोअर दोनों में। उसके बाद डार्ट सिलने के बाद में इसमें आप क्या कीजिए, इसको आपस में आप सिलाई लगा दीजिए। एक तो देखिए सिलना कैसे है, अब आपने एक पार्ट ये थोड़ा सा लंबा है, एक पार्ट ये थोड़ा सा शॉर्ट है, जो ये W वाला पार्ट है, Q और W वाला पार्ट, इसको आपने आपस में ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। जैसे ये वाला पार्ट है, इसको आपने यहाँ से और इस तरह से करके यहाँ पर इस तरह से इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के बाद में आप इसको भी ज्वाइन कर लेना, इसको भी जोड़ देना, तो ये पूरा आपका राउंड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इसमें जोड़ेंगे। ये देखिए इस साइड से ज्वाइन कर लिया है, इस साइड से भी मैंने ज्वाइन किया, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर का पार्ट मैंने खुला छोड़ा है, यहाँ से ज्वाइन करके ये जो दूसरा वाला साइड था उसमें थोड़ा सा पार्ट ऊपर छोड़ा है। अब इसको आपने इसमें ज्वाइन करना है। किस तरह से करना है, जो ये लिखा है बैक लेग, जो बैक लेग लिखा है उसके जो नीचे ये डार्ट था, ये देखिए बैक लेग में नीचे ये डार्ट है, इस डार्ट को आपने लेके और इस ये जो पीछे का बैक साइड हिस्सा है, ये तो फ्रंट वाला हिस्सा है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है, इस जो ये जो सिलाई है, इस सिलाई और ये बैक साइड की जो सिलाई है, इसको मिला के आपने इस तरह से अब इसको सिलना शुरू करना है इस तरह से। ये देखिए ये बैक है, बैक अप बैक साइड, और इसका जो ये डार्ट है और जो ये पीछे का जो डार्ट आ रहा है, इसकी और इसकी सिलाई को आपस में आपने मिला के और इस तरह से पूरा राउंड ये सिलना है। जो फ्रंट साइड का डार्ट है वो बिल्कुल इस सेंटर में आ जाएगा और बैक साइड का डार्ट इस बैक वाली साइड में हो जाएगा। ये देखिए अब दोनों लेग्स भी रेडी हो गए हैं और हमारी बॉडी भी। अब मैंने इसको क्या किया, उल्टा कर लिया है, ये जो हमारी जो बॉडी हमने रेडी की थी फ्लेमिंगो की, इसको मैंने उल्टा कर दिया है। आपके लेग्स भी जो फ्लेमिंगो के हैं दोनों रेडी हैं और दोनों उल्टे हैं। अब आपने क्या करना है, इसका बेस है ये आपने वाइट में काटना था, वाइट वन पीस काटना था ये। अब इसको हमने इसके साथ में जो ये फ्रंट लोअर बॉडी थी इसके साथ में ज्वाइन करना है। करना कैसे है, ये आपने डार्ट बंद कर दिया हुआ है, डार्ट बंद करने के बाद में अब ये यहाँ पर जुड़ गया है, तो इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ना शुरू करना है। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये इस पी और आर और क्यू के पोर्शन से जुड़ेगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये डार्ट बंद कर दिया है, डार्ट सिलने के बाद में ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप इस से ज्वाइन करेंगे इतना। ये देखिए यहाँ बेस ज्वाइन कर दिया है। अब आपने क्या करना है, जो अब आपको ये कट नजर आ रहा है, इसका कट है और ये देखिए इसका भी कट है, ये इस तरह से ज्वाइन हो गया। अब ये दो कट आपको नजर आ रहे हैं, एक ये वाला बेस का कट और ये। अब आपने एक फुट लेना है, जो इसका ये वाला पोर्शन है जो आपने बंद किया हुआ है, एक पोर्शन आपने खुला छोड़ा जो बंद किया है, उसको इस से यहाँ पर आपने ज्वाइन करना है इस तरह से, यहाँ से और ये पूरा यहाँ तक आपका ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से। तो दूसरे साइड से दूसरा वाला ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए अब दोनों लेग्स यहाँ पर ज्वाइन कर दी हैं। अब इसका ये बेस खुला हुआ है। अब इस बेस में आपने क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपने टेल ज्वाइन करनी है, जो नीचे का वाइट फर है उसमें, ये टेल हमने ऑलरेडी बना रखी थी। अब आप इसको क्या कीजिए,
ये जो सेंटर का पोर्शन है, सेंटर में आप इसको टेल को इस तरह से, ये देखिए ये जो वाइट वाला पोर्शन है इसके ऊपर आप इस तरह से इसको रखिए, और यहाँ से इसके सेंटर से इसको जॉइन कीजिए। तो यहाँ से जॉइन करना शुरू कीजिए इस तरह से, और ये पूरी जो लेग भी आपका इसका ओपन है वो भी आप पूरा यहाँ तक बंद कर देंगे, और यहाँ तक बंद करने इतना पोर्शन आप खुला छोड़िए, और ये जो लेग का पोर्शन आपने खुला छोड़ा है ये थोड़ा सा बंद कर दीजिए। ये पोर्शन हम खुला छोड़ेंगे, यहीं से हम इसको सीधा करके और उसके बाद में हम इसको फिल करेंगे। ये देखिए अब ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है, अब इसको मैंने सीधा कर दिया है, और ये थोड़ा सा यहाँ पर ओपन है जो मैंने आपको बताया था नीचे बैक साइड पे। यहाँ से अब हम थोड़ा थोड़ा फाइबर लेके आपने इसको अब फिल करना शुरू करना है। तो अब आप थोड़ा थोड़ा फाइबर लीजिए और इसको फिल करते जाइए, और इस तरह से आपने ये पूरी जो बर्ड है, फ्लेमिंगो है, इसमें पूरा ऊपर से नीचे तक आप फिल कर दीजिए थोड़ा थोड़ा कॉटन लेके। देखिए इस तरह से आपने ये सारा फिल कर देना है। ये देखिए सारा फिल कर दिया है पूरी इसकी बॉडी। अब आपने इसका ये जो सीम खुला छोड़ा है आपने, इसको आपने क्लोज करना है, बंद करना है। तो उसके लिए आप सुई और धागा लीजिए, सुई में एक तरफ से गांठ लगा के, और जहाँ पर ओपन है वहाँ से पहले अंदर से आपने सुई निकालनी है, ताकि जो ये गांठ का पोर्शन है ये अंदर रहे, और उसके बाद में आपने दूसरा जो ओपन है उससे सुई निकाली, फिर यहाँ से सुई निकाली, और इस तरह से करके आपने ये पूरा बंद कर देना है। एक सुई इस वाले पोर्शन से और एक सुई इस वाले पोर्शन से, इस तरह से करके आपको ये इस तरह से पूरा ये बंद कर देना है। ये देखिए अब इसका हमने ये पूरा पोर्शन बंद कर दिया है इस तरह से, और इसको आपने यहाँ पर इसको इस तरह से बंद कर दीजिए। और ये सुई जो है यहाँ से डाल के आपने कहीं और थोड़ा डिस्टेंस में सुई निकालनी है, और इसको यहाँ से थोड़ा सा खींच के आप धागे को काट दीजिए। अब आपका ये देखिए बिल्कुल बंद हो गया है। अब हम इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग करेंगे। अब इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेते हैं। फिनिशिंग करने के लिए सुई धागा लीजिए, और जो ये आपने स्टिचेस लगाई है ना, यहाँ पर दो बताई थी, यहीं से आपने नीचे से हम यहाँ से सुई निकालेंगे, और ऊपर जहाँ तक इसमें स्टिच है, सिलाई लगी हुई है, वहाँ पर हमने ये निकाल लेनी है। उसके बाद थोड़ा साथ में ही सुई लेके फिर दोबारा से यहाँ से निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से थोड़ा खींचेंगे आप, और यहाँ से फिर इस जगह, और यहाँ से ऊपर की तरफ, थोड़ा सा खींच के, और फिर साथ में ही वापस नीचे। ये देखिए इस तरह से आएगा, थोड़ा सा खींचेंगे इसको आप, ये थोड़ा सा इस तरह से, और इसके बाद में यहाँ पर आप बंद कर देंगे इसको। इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद में आप ये सुई यहाँ से डाल के कहीं और से निकाल लेंगे, और उसको थोड़ा सा खींच के और यहाँ पर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से आएगा ये इसका फुट। ये अब इसी तरह से आपने दोनों में कर लेना है। देखिए फुट का तो हो गया है, दोनों फुट में कर दिया है हमने।
अब इसके बाद थोड़ी सी इसकी जो बीक है, चोंच है, उसको हम ठीक करते हैं। यहाँ थोड़ा सा हमें इस तरह से बनाना है, एक दोनों साइड से इस तरह से जैसे यहाँ पर बनाया है इस तरह से यहाँ पर बनाते हैं इसकी एक थोड़ी सी नोज टाइप की। वो मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से बनाई है। उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी जो इसकी ये बीक है ना, इसको थोड़ा सा हम इस शेप में ले लेते हैं हल्की सी। उसके लिए आप क्या करेंगे, सुई में काला धागा डालिए और उसके लिए क्या कीजिए, जैसे यहाँ से आपने ये सुई निकाली है, इसको यहाँ पर लीजिए और ये नीचे की तरफ यहाँ पिंक में इस तरह से निकाल लीजिए। देखिए, फिर इधर से निकालिए ऊपर की तरफ, फिर इधर से और फिर इधर से, और इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर ऐसे खींच दीजिए तो ये थोड़ी सी जो है नीचे की तरफ चली जाएगी। अब ये करने के बाद में यहाँ पर ही मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा गांठ लगा दूंगी ये। अब यहीं से सुई जो है मैं ऊपर की तरफ निकालूंगी यहां पर, ये देखिए इस जगह ऐसे। यहां निकालने के बाद में जैसे ये इधर से आ गया, अब इसके सीध में यहां पर, और इस तरह से मैं ये बिल्कुल यहीं पर दोबारा से ऐसे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको दो तीन बार यहाँ पर आप सिलाई धागा जो है ये सुई इस तरह से निकाल लीजिए बिल्कुल प्लेन ऐसे। और यहाँ पर आप इसके बाद इसमें थोड़ा सा इसको गांठ लगा दीजिए, ये बंद हो जाएगा। और उसके बाद यहीं से करके और इस ब्लैक वाले एरिया में ये सुई निकालिए, उसको थोड़ा सा आप खींच के ये देखिए, अब इसका फिनिशिंग सारा हो गया है। अब हमारी फ्लेमिंगो बर्ड बनके बिल्कुल रेडी है। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से आप इसको बिठा सकते हैं, इस तरह से ये बैठ भी सकती है इस तरह से। अब देखिए ये आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि अच्छी ही लगी होगी। और आप इस मेरी वीडियो को फॉलो करके अपने आप भी अपने घर में इस तरह से बनाएंगे। जैसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो बनाते हैं और मेरे को व्हाट्सएप करके उसकी पिक्स भी भेजते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट्स आप लोग करते हैं तो थैंक यू फॉर योर लवली लवली कमेंट्स। और इस तरह से आप ये बनाइए इसको देख के। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि और लोग भी इस तरह से घर में बैठे सॉफ्ट टॉयज जो है बना सके, सीख सके, बना सके। अपने बच्चों के बाजार में मार्केट में इतने महंगे मिलते हैं ये, तो घर में बैठ के देखिए बहुत ही ईजी है। और पैटर्न भी मैं आपको अवेलेबल करा रही हूँ जो मेरी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। हाँ, मोबाइल से वो डाउनलोड नहीं होती है, मैं बार बार कह रही हूँ अपने फ्रेंड्स को। मेरी वीडियो जो है, मेरे पैटर्न जो है, आप लैपटॉप या कंप्यूटर से डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके कटिंग करके आप उसको बनाइए। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स बनाते हैं और मेरे को भेजते हैं, तो आप भी बनाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप मेरे को भेज भी सकते हैं उसकी पिक, और कुछ भी इंक्वायरी के लिए आप मेरे को उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं हर एक की इंक्वायरी देखती हूँ, उनको जवाब भी देती हूँ। और कमेंट्स करके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं जो आपको पूछना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा नया सॉफ्ट टॉयज़, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।